कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। लोहिया नगर में जबरदस्त 2 विस्फोट, कुछ इस तरह के संबंधित बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज हो गई और आसपास के दूसरे भवन भी रहने लायक नहीं बचे। साबुन फैक्ट्री के ऊपरी तल पर अनेक बोरों में भरे हुए पटाखे और उन पटाखों से बाहर निकलकर चुगली करता हुआ सफेद अत्यंत ज्वलनशील पाउडर, मीडिया के कैमरों में यह सब कैद। हर जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, अवैध रूप से बनाए जा रहे पटाखों की फैक्ट्री में धमाके। आग के साथ ये धमाके इतना जबरदस्त थे कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5वें ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर दम तोड़ दिया। खुली आंखें बता रही थी कि यहां भारी मात्रा में पटाखे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहां तक दावा किया गया कि साबुन फैक्ट्री में कंप्रेसर फटने से यह हादसा हुआ है। निरीक्षण कर जाते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने भी वहां पटाखे होने से साफ इनकार कर दिया। NDRF की टीम जुटी और फिर विस्फोट की विभीषिका देखते हुए आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी ATS भी जांच में जुट गए। ध्वस्त हो चुके बिल्डिंग के मलबे को हटाया गया तो वहां इस टीम को स्काई बम भी बरामद हो गए। इन स्काई बम ने पुलिस व प्रशासन के उन सभी दावों को आईने दिखा दिया है। ATS के DSP ने प्रथम दृष्टया वहां विस्फोटक सामग्री पाए जाने की पुष्टि की है। यहां यह बताना आवश्यक हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के भंडारण बिक्री व निर्माण तीनों पर ही प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके लोहिया नगर थाना क्षेत्र में इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया जा रहा था और संभवतः यही कारण रहा कि इस घटना के बाद से ही बराबर वहां पटाखे न होने की बात पर पुलिस व जिला प्रशासन लगातार दबाव बना रहा था। विस्फोट का कारण भले ही कंप्रेसर का फटना बताया गया हो, लेकिन मरने वाले 5 लोगों के शरीर बुरी तरह से झुलसे हुए पाए गए हैं। यह बिल्डिंग शास्त्री नगर निवासी संजय गुप्ता की है। भूतल पर आलोक रस्तोगी की साबुन फैक्ट्री है किराए पर, जबकि प्रथम तल पर जागृत विहार निवासी गौरव भाटिया की किराए की फैक्ट्री चल रही है। इसमें पटाखों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पार्ट बनाए जाते हैं, लेकिन जिस वक्त यह हादसा हुआ इन प्लास्टिक पार्ट में ज्वलनशील पदार्थ भी भरा हुआ था। पहले सुनिए DM दीपक मीणा ने क्या कहा। यहाँ उन्होंने पटाखों से साफ इनकार किया। मेरा ये सवाल है, ये बताइए कि पटाखों पर आपने बैन लगाया हुआ है, क्या ये पटाखे बनाए जा रहे थे अवैध रूप से? नहीं नहीं, देखिए मैंने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है और मैं बार बार इसकी पुष्टि करता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी पटाखे का या कोई भी ऐसा वर्क नहीं हो रहा था। ये सोप बनाने का एक गोदाम था जिसमें वहाँ की मशीनरी सोप से रिलेटेड ही थी, तो ये क्लियर है कि उन्हीं की कुछ मशीनरी में या किसी ना किसी केमिकल की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है। प्लास्टिक के इतने इतने बड़े खोल मिले हैं, वो ये माना जाता है कि पटाखों में इस्तेमाल। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत जल्दी किसी उस पर नहीं पहुँचना चाहिए। हम लोग खड़े हुए हैं, सभी लोगों ने ये पुष्टि की, आप लोग भी उसको देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी में हम कोई अफवाह या अननेसेसरी में किसी चीज़ की पुष्टि ना करें। मौके का जायजा लेने के बाद ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने वहां पटाखे पाए जाने की बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि यह जांच का विषय है। जानकारी में आया कि साबुन यहां पर बनती है कंप्रेसर, ये तो जांच का विषय है कि किन कारणों से हादसा हुआ है, लेकिन हादसे का जो भी कारण हम उन पर कार्रवाई कराएंगे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उन पर भी कार्रवाई। मंत्री जी, यहाँ पर बड़ी संख्या में पटाखे बरामद हुए, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया है। मुझे बताया गया कि साबुन का ही है, पटाखे का विषय नहीं आया है, लेकिन हम लोग इसकी जांच कराएंगे और जहां भी इस तरह की आवासीय कॉलोनियों में व्यवसायिक गतिविधियां जहां भी हो रही है उनकी जांच करा के कार्रवाई कराएंगे। मौके पर बरामद बहुत सारे पटाखे साफ दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा मैं जो देखा है घटना स्थल पर वहां कहीं पटाखे इस तरह के मुझे नहीं मिले। उधर मौके पर मौजूद जब SP सिटी पीयूष सिंह से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने फर्स्ट पार्ट TV से यहाँ तक कहा कि पटाखे कहाँ है यह उन्हें भी दिखा दीजिए। फिर चलते चलते SP सिटी पीयूष सिंह यह हिदायत देने से भी पीछे नहीं हटे, डोंट बी एक्सपर्ट। देखिए सर, यहाँ पर पटाखे भी पाए गए भारी मात्रा में, उसमें उस बारे में आपको कोई जानकारी? अगर आपको पटाखे मिले मुझे एक बार दिखा दें। पटाखे पाए गए हैं यहाँ पर सर, डोंट बी एक्सपर्ट। ATS की टीम के पहुंचने पर NDRF टीम को रोक दिया गया। वहां और विस्फोटक की आशंका को देखते हुए पानी की बौछार की गई। ATS ने पड़ताल की तो वहां
काइट शॉट भी पाए गए। एटीएस के डीएसपी ने विस्फोट में प्रथम दृष्टया विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल होने की बात कही है। आपको बता दें कि मलबा हटाने के दौरान वहां दूसरा विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट निश्चित रूप से दिल दहलाने वाला रहा। देखिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।